हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मोती पहनने के फ़ायदे या मोती से मिलने वाले लाभ क्या क्या हैं। दोस्तों, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज, और इससे पहले हम अपनी चर्चा शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जब भी ऐसे वीडियो अपलोड होंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। दोस्तों, मोती है चंद्रमा का, और चंद्रमा को ज्योतिष में माता का कारक ग्रह माना जाता है। मतलब माता का कारक ग्रह, और इसे बिल्कुल शांत, सौम्य और स्त्री ग्रह माना जाता है। अब मोती के बारे में अक्सर ये बहुत सा कन्फ्यूजन रहता है, पंडितों के पास जाओ या ज्योतिषों के पास जाओ, अक्सर लोग, और मोती के संबंध में तो ऐसा भी है, लोग खुद भी अपने आप से पहन लेते हैं, भला थोड़ा सा पता नहीं कहाँ से सुन लेते हैं कि थोड़ी टेंशन हो या मन शांत ना रहता हो तो मोती पहन ले। जबकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में जिक्र करता रहता हूँ, ज्योतिष के में एक चीज़ याद रखिए, रत्नों के संबंध में जहाँ भी चर्चा होगी वो बिना ज्योतिष परामर्श के नहीं पहने। आप चंद्रमा को इतने हल्के मत ले, बहुत खतरनाक रिजल्ट हो सकते हैं अगर आपने इसे बिना सलाह के पहना, और आपने इसे पहन लिया तो आपको ये चीज़ मान के चलिए, मैं बताता हूँ आपको, आपको भयंकर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपकी नींद उड़ सकती है, पागलपन तक पहुँच सकते हैं आप। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, अगर कुंडली में चंद्रमा शुभ नहीं है और आपने मोती पहन लिया है, या कुंडली में आपके जो चंद्रमा की स्थिति है उसके अनुसार मोती शूट नहीं करता है और आपने पहन लिया है, तो आपको सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। तो मेरी सलाह रहेगी, जब भी आप रत्न पहनेंगे सबसे पहले ज्योतिष से सलाह जरूर करें, वो चाहे मोती हो फिर या अन्य रत्न हो। दोस्तों, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो समस्याएँ हैं, ये मैं आपको चंद्रमा के जो इंडिपेंडेंट रिजल्ट होते हैं, चंद्रमा के जो स्वतंत्र फल होते हैं, ये वो है। अगर आपको स्पेसिफिक जानना है कि किसी व्यक्ति कुंडली में चंद्रमा क्या फल देगा, तो उस कुंडली को एनालिसिस करना पड़ेगा, तब ही तय करें। लेकिन ये फल चंद्रमा से जुड़े हुए हैं, चंद्रमा के ये कॉमन फल जो है, ये सामान्य फल है जो सभी को मिलते ही हैं चंद्रमा की स्थिति में, तो हम उन पर आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वो क्या क्या फायदे हैं मोती पहनने के, अगर आपकी कुंडली में मोती आपको सूट करता है तो। दोस्तों, मैंने बोला चंद्रमा माता का कारक ग्रह है, चंद्रमा आपकी माता के साथ आपके संबंध सही नहीं है, उनके साथ कोई वैचारिक मतभेद है या कोई लड़ाई झगड़ा है या तनाव है, या उनका स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है, या आपको लेके किसी भी स्तर पर ये मान के चले कि आपके उनके साथ अच्छे संबंध नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका चंद्रमा खराब है और आप मोती की मदद से इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं, और मोती आपको यहाँ पर जरूर लाभ देगा। मानसिक संतुलन के लिए, या इमोशनल इम्बैलेंस ले लो आप, वहाँ पे मोती बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। जो लोग इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं उनके साथ अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है, वो लॉजिक से काम लेते नहीं हैं, वो हर चीज़ को भावनाओं में लेते हैं, और हर छोटी-छोटी बात पे उनकी उनकी जो रिएक्शंस होती है वो हाइपर होती है। थोड़ी सी अगर आपने उन्हें नेगेटिव चीज़ सुनाई तो वो रोने लग जाएंगे, थोड़ी सी खुशी की बात बताई तो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाएंगे। इस तरह की स्थिति होती है इमोशनल लोगों के साथ, वो या बड़बड़ाते रहेंगे या बिल्कुल खामोश बैठ जाएंगे, या तो बिल्कुल गुस्सा करने लग जाएंगे या बिल्कुल शांत हो जाएंगे। ये इमोशनल इम्बैलेंस है, और ये अगर चंद्रमा कुंडली में सही स्थिति में नहीं है तब आपके साथ ये हो रहा है, और अगर आप मोती पहनते हैं तो ये आपको इन चीज़ों को करेक्ट करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, जो लोग एग्रीकल्चर के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, डेयरी के प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, फूड आइटम है, होटल है, लिक्विड आइटम का बिजनेस है, इस तरह की बिजनेस से प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मोती हमेशा पहनना चाहिए। क्योंकि देखो, चंद्रमा को वैसे भी उत्तर पश्चिमी दिशा का कारक ग्रह माना जाता है, वहाँ पे उसका अधिकार माना जाता है, जो कि सेल्स मार्केटिंग का या मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा वैसे भी चंचल माना जाता है, तो मन को रिप्रेजेंट करता है।
तो बिजनेस प्रोफेशन जहाँ भी हो, जहाँ पर भी ऐसा कोई प्रोफेशन जिसमें आना जाना ज़्यादा लगाता है, भाग दौड़ ज़्यादा लगी रहती है, सिर्फ भाग दौड़ के ही कमाया जाता है, ऐसा कोई भी प्रोफेशन हो वहाँ पे चंद्रमा एक्टिव रहेगा। तो आपको मोती पहनना चाहिए, जो मैंने आपको बताया अभी, दूध दही आइसक्रीम डेयरी का जो काम कर रहे हो, लिक्विड का, या खाने पीने के जो आइटम्स हैं, क्योंकि इनको डेली लाना पड़ता है, डेली सेल करना पड़ता है, इस तरह की एक्टिविटी है, इसलिए आपको चंद्रमा का मोती पहनना चाहिए, इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों को कफ से संबंधित प्रॉब्लम है स्पेशली, और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, वो चाहे सिज़ोफ्रेनिया है, इंसोमेनिया है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, हिस्टीरिया है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें, और कफ रिलेटेड प्रॉब्लम है उनमें, चाहे वो चेस्ट में आपको ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है, या शॉर्ट ब्रेदिंग है, या आपको अस्थमा है, या एलर्जीज है, या ब्रोंकाइटल कोई इन्फेक्शन है, एलर्जी है, या फिर स्मॉल ब्रेस्ट है, या एमसी में जो डिसऑर्डर्स हैं वो, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अक्सर खराब चंद्रमा या अशुभ चंद्रमा की वजह से होती है। और अगर चंद्रमा के उपाय के तौर पर हमने मोती धारण किया, तो इन चीज़ों में हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा, हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगला है आपका लोगों के साथ अच्छा व्यवहार। चंद्रमा मन का कारक है, जब व्यक्ति का मन शांत होगा तो उसकी थोड़ी बुद्धि काम करने लगती है, उसे भले बुरे का ज्ञान होता है, उसमें एक समझ पैदा होती है, और जब आदमी शांत मन से रहता है तो निर्णय सही लेता है, सही निर्णयों के सही परिणाम भी होते हैं। तो जब इस तरह लोगों के साथ आप व्यवहार करने लगते हो शांत मन से, तो आप एक्चुअल में अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, और लोग भी आपको सही समझते हैं, जैसा आप अपने आप को बताना चाहते हैं वैसा ही समझते हैं, उसी के अनुसार आपसे व्यवहार करते हैं। तो अगर आप मोती पहनते हैं तो आपका जो व्यवहार है वो भी सुधरेगा, और उसमें एक पॉजिटिविटी नज़र आने लगेगी। दोस्तों अगला जो प्रभाव चंद्रमा का देखने को मिलेगा आपको, वो है स्त्रियों की तरफ से आपको अच्छी सपोर्ट मिलना, या उनके साथ अच्छे संबंध होना। चंद्रमा खुद स्त्री ग्रह है, तो जिन लोगों की भी कुंडली में चंद्रमा अगर इस अशुभ स्थिति में नहीं होता है, तो वो अक्सर उनकी औरतों की तरफ से उन्हें परेशानी आती है, उनके साथ व्यवहार नहीं कर पाते, उनके साथ उनके संबंध ठीक नहीं रह पाते, वो चाहे परिवार में हो या समाज में हो। तो ऐसी स्थिति अगर आपके साथ है, या आप फेस करते हो कि अपने परिवार में भी जो आपकी फैमिली में जो फीमेल मेंबर्स हैं उनके साथ किसी भी तरह का आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, या कोई टेंशन है, या कोई लड़ाई झगड़ा है, तो ये भी एक है। या शुक्र तो रोल प्ले करेगा ही स्त्रियों की तरफ से, लेकिन चंद्रमा आपको इन चीज़ों को डील करने में मदद करता है, आपकी जो मेंटल एप्टीट्यूड क्या है औरतों को लेके उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अगर ऐसी स्थिति है, किसी तरह का मतभेद है, या उनकी तरफ से कोई भी आपको परेशानी है, तो आप मोती धारण करिए, आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा एक ये भी है कि चंद्रमा की बात जब हम करते हैं, तो हम ये करते हैं कि बॉडी के अंदर लिक्विड पार्ट ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 75% बॉडी में पानी है, और चंद्रमा भी पानी का कारक ग्रह है। तो जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है उन्हें पानी से बहुत डर लगता है, आप चाहे झरने हो, नदी नाले हो, तालाब हो, या कहीं पर भी जाएं जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पानी है, या डैम हो गया, वहाँ पे जाएंगे तो उन्हें एक डर सताता है कि कहीं गिरकर डूब ना जाए पानी में, या हम किसी भी तरह मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए, या हमें कुछ अनहोनी ना हो जाए हमारे साथ, इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी जिन लोगों का चंद्रमा वीक होगा। तो ऐसी स्थिति में भी आप मोती पहन सकते हैं, और आपको इस चीज़ से छुटकारा मिल सकता है। अगली है दोस्तों, चंद्रमा ज्योतिष में हम ये देखते हैं कि चंद्रमा स्त्री ग्रह भी है और मन का कारक ग्रह भी है। तो जहाँ तक आपका जो मेंटल लेवल है, मेंटल लेवल का मतलब ये हुआ, कई बच्चे क्या होते हैं वो छोटी सी उम्र में बड़ों जैसे व्यवहार करते हैं, और कई बड़े बच्चों जैसे व्यवहार करते हैं। ये जो डिस्टरबेंस होती है ना, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है,
कि आपका मेंटल लेवल आपकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वो अगर कम या ज़्यादा है तो वो ठीक नहीं माना जाता है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे चंद्रमा का रोल है। चंद्रमा को वहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर कुंडली अलाउ करती है, आपका ज्योतिष आपको परामर्श में ये चीज़ आपको एडवाइस देता है कि आप मोती पहनिए तो आपको पहनना चाहिए, इसी से आपको ज़रूर छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों ये मैंने मेन मेन चीज़ें बताई हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, हर कुंडली में हर ग्रह अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हो सकता है किसी में चंद्रमा पैसे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसी में हेल्थ के लिए है, किसी में करियर के लिए है, किसी में फैमिली के लिए, ठीक वैसे है। लेकिन ये जो रिजल्ट है ये कॉमन है, चंद्रमा कहीं पर भी हो कैसे भी हो ये फल तो आपको देगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको फल बताए हैं। अब बात करते हैं मोती को धारण कैसे किया जाए। दोस्तों मोती को धारण करने के लिए सोमवार के दिन धारण करें और हाथ की राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में करें, ये जेंट्स के लिए है, और जो लेडीज़ हैं वो लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली धारण करें और चांदी में ही धारण करें, सोने में धारण बिल्कुल भी ना करें, किसी मेटल धारण ना करें, केवल चांदी में ही करें। और सोमवार के दिन करें सुबह, सोमवार के दिन सुबह पहला घंटा चंद्रमा की होरा का होता है, उसमें पहनिए, ज़्यादा शुभ रहेगा। और दोस्तों इसके साथ नीलम ना पहने, इसके साथ गोमेद ना पहने, इसके साथ लहसुनिया ना पहने, ये ध्यान रखिए ये चीज़ें आपको नहीं पहननी है, और ना इसके साथ पन्ना पहने। मैं देखता हूँ कई बार आपस में लोग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टोन पहन के रखते हैं। आप अगर चंद्रमा के साथ मोती पहनते हैं, सॉरी चंद्रमा का मोती जो है वो अगर पन्ना के साथ पहनते हैं तो रिजल्ट गलत हो सकते हैं। इसी तरह आप शनि के साथ पहनोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके साथ रत्न ना पहने, जब भी पहने ज्योतिष के परामर्श से पहन लेना। और आप इसको पूरे विधि विधान से अभिमंत्रित करने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद, पूरे धूप दीप दीपक नवेद ये सब अर्पित करने के बाद, पुष्प वगैरह ये, और फिर आप चंद्रमा के मंत्र जप करें। या तो आप चाहे 108 करें या 1100 करें या 8-10 हज़ार मंत्र करें, वो आपकी चॉइस पर है। ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा का मंत्र आप जाप कर सकते हैं, या ओम नमः शिवाय का जाप भी आप कर सकते हैं। इस तरह ये पूरे विधि विधान से आप इसे धारण करें और उस दिन चंद्रमा की सफ़ेद वस्तुओं का दान अवश्य करें। दूध दही घी ऐसी वस्तुएं हैं, चावल, इनका दान गरीबों को अवश्य करें। और हो सके तो अपनी माँ का या बुजुर्ग स्त्रियों का आप चरण स्पर्श करके आशीर्वाद जरूर लें, तो आपको चंद्रमा शुभ फल देगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिए चंद्रमा के मोती पहनने के क्या फायदे हैं और रत्न धारण करने की विधि। ये दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़, अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।